तुम्हारे YouTube चैनल। एक बार मैं, दादाजी और प्रीति एक शादी में जा रहे थे। अब हम लोगों को भी पहुंचते पहुंचते 9:30 तो बज ही गए थे और हमें भूख भी लगाई थी। मैं खड़े होकर खाना नहीं खा पाता हूँ और मुझे जो कि हैवी क्लॉथ्स होते हैं उनमें एकदम बंधा सा रहकर मैं बिल्कुल भी नहीं खा पाता हूँ। मुझे तो अच्छे से बैठकर खाने की आदत है और मैं अपनी प्रीति का ही खाना खाता हूँ। प्रीति मेरे लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती है। अगर कभी मेरा मन होता है तो मैं दादाजी से एक पराठा भी बनवा लेता हूँ और वो मुझे अपने हाथों से खिलाते हैं। तो अब भूखे आगे किसकी चलती है। तो फिर मैंने कुछ थोड़ा सा लेने का सोचा। मैंने सोचा कि चलो मैं दादाजी के संग संग ये शेयर कर लूँगा। वैसे तो मैं प्लेट में खाना छोड़ने को बिल्कुल प्रेफर नहीं करता हूँ, लेकिन उस दिन हम तीनों को ऐसा करना पड़ा क्योंकि कोई चीज़ कच्ची थी, किसी में मिर्च बहुत ज़्यादा थी, किसी में नमक बिल्कुल नहीं था और अगर किसी चीज़ में था तो बहुत ज़्यादा था। अब बताइए ऐसे कोई कैसे खा ले, इंसान ही तो है। सिर्फ हम तीनों ने ही नहीं, वहाँ पे जितने भी लोग आए थे सबने अपनी प्लेटों में खाना छोड़ा हाथ था। तो सोचिए अन्न की कितनी बर्बादी होगी। लेकिन जिसने शादी करी थी उसने केटरिंग बहुत अच्छी बुलवाई थी। अब अगर केटरिंग वाला ही धोखा दे दे तो उसमें बेचारे आदमी का क्या दोष। अब हमें अपनी पुरानी परंपराओं पर वापस आना चाहिए, उतने ही लोगों को बुलाना चाहिए जितनों को हम अपने घर में सुकून से खाना परोस खाना खिला सकें और वो भी खुद के सामने बना हुआ। और जिन लोगों को इनविटेशन ना पहुंचे उन्हें अब बुरा भी नहीं मानना चाहिए, ऐसे ताने भी नहीं सुनाने चाहिए कि अरे आपने हमें नहीं बुलाया, आप हमारे यहाँ नहीं आए और अगर आ गए तो आपने खाया क्यों नहीं। अब भाई जिसका परहेज है वो कैसे खा ले। अब हमें समाज को इस चीज़ के लिए अवेयर करना होगा वरना संबंधों में फूट आती रहेगी, ट्रैफिक जैम की समस्या बढ़ती रहेगी और अन्न की बर्बादी भी होती रहेगी। आप उन्हीं को बुलाइए जो आपके करीबी हैं। तो अब अपने इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने शब्दों को विश्राम देता हूँ। नमस्ते।